नमस्कार, मैं हूं श्री शुक्ला। आप देख रहे हैं अग्निपथ। अगर किसी भी समाज की बात करें, किसी भी देश की बात करें, किसी भी सूबे की बात करें, तो उसका जो पैमाना होता है डेवलपमेंट का और उसकी उन्नति का, वो होता है बिजली, सड़क, पानी और एजुकेशन, शिक्षा, इल्म। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की बात करें, तो ये ज़रूरी है कि उसकी आने वाली पीढ़ी अच्छे माहौल में अच्छी शिक्षा हासिल करे और उसकी सूरत और सीरत दोनों बदल सके। उत्तर प्रदेश का दावा है, उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि इसी कोशिश के तहत वो मदरसों का सर्वे कराने, और मदरसों का सर्वे कराने की जैसे ही घोषणा हुई, उसके बाद तमाम सियासत भी शुरू हो गई। वहाँ की स्थिति को जाना जाए, ये सरकार का तर्क था, और ये भी तर्क था कि वहाँ की जो बदहाली है उसको ठीक किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए। कितने मदरसों को मान्यता मिली हुई है, कितने सुचारू रूप से चल रहे हैं, कितने अवैध चल रहे हैं, इन सब पर हम एक सर्वे करेंगे। और उस सर्वे के कराने की वजह यह है कि हम चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, ये सरकार का अपना दावा है। अब इसके लिए सरकार ने पूरा अमला लगाया, ज़िलों में BSA और ज़िला अल्पसंख्यक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। ये सर्वे ADM को अपनी रिपोर्ट देंगे और ADM DM के जरिए शासन तक इस रिपोर्ट को पहुंचा देंगे। यूपी की बात करें तो 16,000 से ज़्यादा मदरसे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और बहुत कम ऐसे हैं जिनको अनुदान मिलता है। अब सरकार ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन मदरसों में शिक्षा के साथ साथ वहाँ के जो टीचर्स हैं उनका क्या हाल है, वो किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं, उनकी जो इल्म का जो स्तर है वो कैसा है। यानी कि उनका दावा बार बार ये है कि वो जो मुस्लिम बच्चे हैं उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अब इन सब के बीच में ओवैसी का बयान आ जाता है। ओवैसी कहते हैं कि ये तो साहब मिनी NRC है और मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। अभी तक यूपी की विपक्षी पार्टियां जो सर्वे पर सधी जबान में प्रतिक्रिया दे रही थी, वो सर्वे के खिलाफ अब खुलकर सामने आई है। आज अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि क्या इस सर्वे से कोई इकोनॉमी बढ़ेगी, वो तो सर्वे का सीधा सीधा विरोध करेंगे, उन्होंने साफ कर दिया। अब ये विरोध सियासी है, मजहबी है, मदरसे का सच सामने आने से किसको कैसी परेशानी है, क्या सरकार की सर्वे की पीछे की मंशा कोई सियासी सोच है या वास्तव में बदलाव की बड़ी कोशिश है, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस सर्वे से हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा सकता है, क्या इस सर्वे से मुसलमानों के बीच में कुछ मैसेज जाएगा, हिंदुओं के बीच में कुछ मैसेज जाएगा, क्योंकि पार्टियां यही कहती नज़र आती हैं कि भाई साहब ये जो सर्वे है ये सीधे सीधे हिंदू मुसलमानों को बांटने और हिंदू मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने की एक चाल है। और इसी के तहत आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि ये सर्वे का वो विरोध करते हैं। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी के पास एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है। उधर योगी सरकार का कहना है कि हमें तो ना इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है, हम तो जो उत्तर प्रदेश के जितने भी मदरसे हैं उनका सर्वे करा के उनकी हालात को अच्छा करना चाह रहे हैं। इस बहस में हिस्सा लेने के लिए मेरे साथ तमाम मेरे साथी जुड़े हुए हैं। अमित पुरी जी हैं जो BJP के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उसके अलावा अमरनाथ मिश्रा जी हैं, हाजी हसन अहमद साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, इसके अलावा तारिक अहमद लारी साहब मेरे साथ जुड़े हैं और मतीन खान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इन सबसे हम बात करेंगे, इन सबसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज अखिलेश यादव ने जो एक अहम बयान दिया उसको सुनते हैं। सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए और इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाना है। जो लोग दावा करते हैं $1 trillion इकोनॉमी की, ये बताएं कि $1 trillion की इकोनॉमी क्या मदरसों में सर्वे होने से हो जाएगी? जो लोग $1 trillion इकोनॉमी की बात करते हैं, क्या मदरसों में सर्वे से $1 trillion इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी? तो आपने सुना कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि वो मदरसे के जो सर्वे हो रहे हैं वो उनके साथ नहीं, उसका विरोध करते हैं। हालांकि मदनी जो मुस्लिम नेता हैं बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि भाई हमको इस सर्वे से कोई परेशानी नहीं है और सर्वे से
हम ये चाहते हैं कि सर्वे सही दिशा में हो और उससे सही तरह से मदरसों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक हो। मेरे साथ लारी साहब हैं, लारी साहब के पास सीधे चलते हैं। आज लारी साहब, आज अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि वो इस सर्वे का विरोध करते हैं, तो इसकी वजह क्या है, क्या दिक्कत क्या है समाजवादी पार्टी को? लारी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है लारी साहब तक भी आ रही है। जी जी, मेरा ये कहना, मेरा एक सवाल था कि आज अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि वो मदरसे के सर्वे के साथ नहीं खड़े हैं, यानी कि उसका विरोध करते हैं, तो ये बताइए कि समाजवादी पार्टी को क्या प्रॉब्लम है, क्यों सर्वे नहीं होना चाहिए और इससे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, पहली बात जो है, जो मदरसे यहाँ पे करीब 500 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, उनमें जो चल रहा है उसको आप देख लीजिए, जहाँ से गवर्नमेंट फंडिंग आ रही है उसको आप देखिए, आप उसका अख्तियार रखते हैं जहाँ पे फंडिंग आप कर रहे हैं। आप जिस चीज़ पे फाइनेंशियल अख्तियार नहीं रखते हैं वहाँ का सर्वे करने का अधिकार आपको नहीं है। ये कोई सरकारी इमदाद से चलने वाले मदरसे नहीं है, ये प्राइवेट मदद से ही मदरसे चलते हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरे कुछ मदरसे नहीं, ज़्यादातर मदरसे ऐसे हैं जो एक कमरे दो कमरे में मदरसे चल रहे हैं, जो सिर्फ नहीं हो रही है, दीनी तालीम देते हैं, मदरसों की भी हो रही है। जी जी जी, जी लारी साहब, जिसमें दीनी तालीम के लिए ही बच्चे जाते हैं और उनको अगर इंग्लिश या और सब्जेक्ट्स पढ़ना है तो वो स्कूल भी जाते हैं, तो कई मदरसे ऐसे भी हैं। आप मदरसों की बात कर रहे हैं, मदरसों के खिलाफ हैं, ये सिर्फ 2024 के चुनाव की तैयारी का माहौल बना रहे हैं और कुछ नहीं है। जो अखिलेश जी ने कहा है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी आप बनाना चाहते हैं, तो क्या हिंदू मुस्लिम और मदरसों की जांच करके $1 ट्रिलियन इकोनॉमी आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। आप कोई पॉजिटिव वर्क करिए, आप प्रदेश के अपलिफ्टमेंट की बात करिए, आप यहाँ के डेवलपमेंट की बात करिए। आप डेवलपमेंट की बात ना करिए, आप डेवलपमेंट करिए। मदरसों का सर्वे करके उसके ऊपर पैसा खर्चा करने की बजाय सड़कों को दुरुस्त करना शुरू करिए। लखनऊ शहर की मेन सड़कें उखड़ी पड़ी हुई हैं, जहाँ पे लोग तमाम रिक्शे और ई रिक्शा गिर के पलट के बच्चे तक मर रहे हैं। आपको उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मदरसों की आपको ज़रूर चिंता है, क्योंकि आपका मेन मुद्दा 2024 का चुनाव है कि कैसे इसको हिंदू बनाम मुस्लिम और मुस्लिम बनाम हिंदू किया जाए। ऐसी एक दूसरे राज्य का आदमी है, वो उसको तो बहुत ही ज़्यादा क्या कहा जाए, मैं नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, इन्हीं का काउंटर पार्ट है वो, और इन्हीं के कहे अनुसार वो भी काम करता है। तो उसका मेन मकसद होता है कि कितने वोट मैं काट सकूँ ताकि बीजेपी की मदद हो, तो बीजेपी की मदद के लिहाज से वो ये सब बातें करता है। रही मदनी साहब की बात, तो मदनी साहब अपने आसाम को तो पहले देख लें, वहां का मदरसा तो दुरुस्त करा ले, फिर आके यूपी में कुछ बोले। मुझे तो लग रहा है वो भी बीजेपी के साथ ही मिल चुके हैं भाई, पहले भी वो सत्ता खोर आदमी रहे हैं, हमेशा सत्ता के साथ रहे हैं। पहले गांधी परिवार की सत्ता थी तो गांधी परिवार के साथ थे, वीपी सिंह जी की सत्ता आई उनके साथ रहे, चंद्रशेखर जी की आई उनके साथ रहे, फिर नरसिम्हा राव जी के साथ हो गए, फिर देवगौड़ा जी के साथ हो गए, फिर आई के गुजराल जी के साथ हो गए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हो गए, फिर मनमोहन सिंह जी के साथ हो गए। अब वो चक्कर में है पिछले 7-8 सालों से कि मोदी जी के साथ हो, तो मोदी जी शायद लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, इसी चक्कर में थोड़ा काम कर रहे हैं वो। तो ऐसे दलालों को, जो मुसलमान वोट के दलाल हैं, उन दलालों की बातों पर मैं ज्यादा यकीन नहीं करता हूं, और मैं ही नहीं, श्रीराम जी, ये बात गलत है कि किसी धर्मगुरु को इस तरीके से अपमानित करना, आपके चैनल पे इस तरीके से ये अपमानित कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। वो एक धर्मगुरु है और शिक्षाविद है, जिनके लिए कह रहे हैं कि वो दलाल है, ये अपने शब्द वापस लें। आप अपने शब्द वापस लीजिए, भाई को तो आप अपने शब्द वापस लीजिए। मौलाना महमूद मदनी और उनके पिता के खिलाफ आप दलाल बता रहे हैं, आप अपने शब्द वापस लीजिए, ये गलत बात है। इस तरीके से किसी धर्मगुरु को अपमानित करने का हक आपको नहीं है, किसी भी धर्मगुरु को अपमानित करने का हक आपको नहीं है। तो चचा हमेशा बीच में बोलेंगे, अरे बीच में नहीं बोलेंगे, आपको सच बोलेंगे। आप किसी धर्मगुरु का अपमान करेंगे तो बिल्कुल बोलेंगे। अगर कोई राष्ट्रहित में बात करे, भारत के संविधान के प्रति आस्था प्रकट करे, सरकारों के साथ मिलकर काम करे, आप उसको दलाल बोलेंगे?
आप मौलाना महमूद मदनी को दलाल बोल रहे हैं। वो सत्ता के साथ मिलकर सरकार के साथ मिलकर संविधान के साथ मिलकर काम करते हैं। आप अपने शब्द वापस लीजिए, ये गलत बात है। आप अपने शब्द वापस लीजिए, माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। इतने बड़े धर्मी हो जो मदनी है काम कर रहे हैं, आप उनको कैसे माफी मांगे? आप मांगिए, आप गलत बात है, गलत बात है। अगर वो संविधान के दलाल हो रहे हैं, सरकार के साथ मैं नहीं कर रहा, आपको संविधान के दलाल नहीं करते। आपने निहायत बेहुदा और गंदा गंदी बात की है, जो जिसके लिए आपको फौरन माफी मांगनी चाहिए। किसी भी वो किसी भी धन विशेष का हो, इस तरह की भाषा का है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सरासर गलत है। मोदी जी को कही, अरे जो दलाल है उनको दलाल कहा, सत्ता के दलालों से हम दूर रहते हैं। और यहाँ की जनता जो स्पेशली जो भाई, आप क्या कर रहे हैं अभी, आप क्या कर रहे हैं अब, आप क्या कर रहे हैं, जवाब दीजिए आप। ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके आप किसकी दलाली कर रहे हैं, किसकी दलाली करना चाहते हैं आप? उनका प्योर आप मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। जब बात होती है मदरसे की, जब बात होगी मदरसे की, तो आप ऐसे सच्चाई यह है कि वो आपका काउंटर पार्ट है ना, आप ही उनसे बयान करवाते हैं सारे। आपको यही तकलीफ है कि आपका कहे अरे भाई आपसे ले, तो आपसे आप ले, इस्लाम आपसे सीखे, शर्म आनी चाहिए आपको। देश का मुसलमान नौजवान, शर्म आनी चाहिए आपको। अब आपके कहने से इधर चलेंगे, इतनी आपके कहने से चलेंगे, समाजवादी पार्टी के मुखिया लोग कहेंगे, वो मुसलमान वालों कहेंगे, शर्म कीजिए, माफी मांगिए। सच्चाई डाइजेस्ट करना सीखिए। आप भूल जरूर बातें करते चले जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आप किसकी दलाली कर रहे हैं, किसकी दलाली कर रहे हैं आप, ये बताइए, किस पार्टी की दलाली कर रहे हैं आप? शंकर दयाल शर्मा भी पढ़े मदरसे में, क्या बात करेंगे आप? नहीं, आप दलाल किसी को कैसे कह सकते हैं? आप किसकी दलाल है और किस पार्टी की दलाल है आप? चलता था जो मुंशी प्रेमचंद जी के हाथ में एक लैपटॉप और दूसरे में कलम थी, कोई लैपटॉप नहीं था उस समय मुंशी प्रेमचंद जी के पास। तो टेक्नोलॉजी वही रुकी है प्रसाद जी के पास। आज आज भी लोग उसका सेठे का कलम बना के रोशनाई में डुबा के लिखे, क्या चाहते हैं आप, कहां ले जाना चाहते हैं आप? नाम किया है ना, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं आप, शर्म कीजिए कुछ। जी लारी साहब, लारी साहब, हाजी हाजी हसन साहब, हाजी हसन साहब, सोचिए, हमारी सड़कें दुरुस्त कराइए, रोजगार दीजिए, बेरोजगारी में मरे जा रहे हैं लोग। लारी साहब एक चीज बताइए मुझे, एक सवाल है मेरा कि अगर सर्वे होता है, ठीक है, अभी मैं हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्वे होता है, जो जो मुस्लिम बच्चे हैं उनका उससे मुस्तकबिल तय होता है कि वो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, और जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी तो आप फिर डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, और अच्छे सियासतदान भी बनते हैं, अच्छी आपको एजुकेशन होती है। तो मेरा सवाल अभी हिंदू मुस्लिम वोट बैंक का नहीं है, मेरा सवाल ये है कि क्या अगर मदरसों के हालात सुधरते हैं तो उससे मुस्लिम बच्चों का फायदा होगा कि नुकसान होगा? जो मदरसे उस तरह की पढ़ाई करा रहे हैं, टेक्निकल के लिए भी जाने के लिए बच्चे जाते हैं, तो वो उन मदरसों में जाते हैं जो गवर्नमेंट एडेड बड़े मदरसे हैं, जैसे नदवा है और दारुल उल्म है और क्या नाम देवबंद है, यहाँ जाते हैं वो बच्चे जो टेक्निकल पढ़ाई के लिए जाते हैं। जो बच्चे छोटे मदरसे में जा रहे हैं वो सिर्फ दीनी तालीम लेने जाते हैं, और दीनी तालीम के साथ अगर उनको बेसिक शिक्षा चाहिए तो बेसिक शिक्षा के लिए स्कूलों में जा रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे 80% बच्चे, 20% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्कूल में जाने के लिए पैसा भी नहीं है, न ड्रेस खरीदने के लिए पैसा है। सरकार तो न ड्रेस दे रही है, ना किताबें दे रही है, अपने वादे से मुकरने वाली सरकार है ये। तो बच्चे अपना दीनी तालीम हासिल करके, 20% बच्चे ऐसे हैं जो दीन की राह में चलकर आगे मौलवी ही बनना चाहते हैं, तो आप उनको रोक नहीं सकते हैं। तो वो अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको क्या इतराज है? आप अगर कहीं फंडिंग कर रहे हैं तो सरकार चलाई थी, देखने का तो क्या दिया था? जब आपके फंड से कोई उन्होंने क्या दिया था अखिलेश यादव की सरकार ने? उंगली उठाने का अधिकार नहीं है, तो आप क्यों उंगली उठा रहे हैं? आप तो हर बात पे उंगली उठा रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा सवाल लारी साहब ये नहीं है, मेरा लारी साहब मेरा सवाल ये है, किस बात पे? जी लारी साहब मेरा सवाल ये है कि बच्चे मदरसे में पढ़े और वो आज के बच्चों के साथ कम्पीट करें, मेरा सबसे सीधा सा सवाल है। अगर वो गरीब घर से बच्चे हैं और उनके अंदर टैलेंट है, तो क्यों ना हम ऐसी व्यवस्था कर दें कि वहाँ पर चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, कॉन्वेंट के बच्चे हों, या मिशनरी स्कूल के बच्चे हों, आपने देखा होगा, या दूसरे स्कूलों के बच्चे हों,
वो उनके साथ कदम ताल मिलाएं और आगे बढ़े। फिर जिसको अगर दीनी तालीम के लिए आगे बढ़ना, वो दीनी तालीम के लिए आगे बढ़े। और जाहिर सी बात है, जब उसको सारी चीज़ें अच्छी तरह से उसको ज्ञान होगा, जानकारी होगी, तो वो दीनी तालीम भी अच्छी तरह से करेगा। तो मेरा सवाल यह है कि उससे प्रॉब्लम क्या होगी, उसमें बच्चों का क्या नुकसान होगा? कितने दीनी तालीम याफ्ता लोग हैं जो यहाँ पे लखनऊ में भी हैं, अमित पुरी जी जानते हैं, जिनको कोई नॉलेज इंग्लिश और इन लैंग्वेजेस की और मैथमेटिक्स और साइंस की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन दीन के मामले में बहुत अव्वल हैं, ये बात जानते हैं वो। और बड़े बड़े मौलाना हैं यहाँ के, जिनसे लोग मिलने के लिए लाइन लगा के रखते हैं। तो अगर कोई उस लाइन में जाना चाहता है तो आप उस लाइन को क्यों बंद करना चाहते हैं? अगर मैं तो सरकार से ये पूछ रहा हूँ कि आप अपने गुरुकुल को मजबूत करिए ना, बजाय हमारे उसको कमज़ोर करने के। आपके बच्चे अगर आपके दीन की शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो ये हमारी गलती नहीं है। आपके बच्चे अगर दीन की शिक्षा लेके दूसरे को दीन की शिक्षा नहीं दे रहे तो ये हमारी गलती नहीं है। हमारे बच्चे दीन की शिक्षा ले रहे हैं क्योंकि मैंने दीन की शिक्षा ली, मेरे वालिद ने भी दीन की शिक्षा ली, और मैं अपने बच्चों को भी दीन की शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन साथ साथ इंग्लिश मीडियम के और जो दुनिया में कम्पीट करने के लिए भी दे रहा हूं। जो हिंदू हिंदू बच्चे हैं, ऐसे हैं जो हिंदू बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई की है, संस्कार प्राप्त किया है, वो मंदिर से निकलते हैं तो प्रसाद बांटते हैं, और आपके मदरसे में पढ़े हुए बच्चे मस्जिदों से निकलते हैं पथराव करते हैं। ये दीन की तालीम दे रहे हैं आप लोग? ये दीन की तालीम है? कश्मीर से लेकर आसाम तक मदरसे में बड़ा हुआ बच्चा जो है पथराव करता है। आप हमारे बच्चों से सीखिए, मंदिर से निकलता है प्रसाद बांटता है। अमित पुरी जी की ये सोच है, ये अमित पुरी नहीं, ये आरएसएस की घटिया सोच है। आरएसएस जैसे गैंग, आपकी सोच जो है तालिबानी सोच है, आपकी सोच जो है अलकायदा वाली सोच है, आपकी पार्टी की भी सोच वही है। पार्लियामेंट में बैठाते हैं और हमको कह रहे हैं कि हम पत्थर फेंकते हैं। अरे आप लोग ये बता रहे हैं कि बड़े बड़े मौलाना के यहाँ लाइन लगती है, तो आप लोग जाते जाके लगाते होंगे मौलाना के यहाँ लाइन। मौलाना के लाइन लगा के क्या मिलता है अखिलेश यादव को? क्या मिलता है आप ये बताइए? किस तरीके की लाइन लगवाते हैं मौलाना? धर्मगुरु लाइन लगवाता है? हमारे यहाँ कोई धर्मगुरु लाइन नहीं लगवाता, सबके लिए मैदान खुला हुआ है। आप आइए सामने बैठ के बात करिए। आप धर्मगुरु लाइन लगवाते होंगे, वो भी अपमान कर रहे हैं, लाइन लगवा रहे हैं। आप कैसे लोग लाइन में लगते होंगे? जिसने आतंकवादी का गतिविधि की और बम ब्लास्ट किया, साध्वी प्रज्ञा कौन से मदरसे की पढ़ी हुई है? आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, बात इस समय उत्तर प्रदेश की हो रही है। आप उत्तर प्रदेश से बाहर मत जाइए, आप यहीं सीमित रहिए, यहीं पे बात करिए। आप यहाँ के मदरसों की बात करिए, यहाँ की बात करिए। आप प्रधानमंत्री बातें मत करिए, आपको कोई जानकारी नहीं है। आतंकवादी के साथ आप किस मदरसे में पढ़े ये बताइए, रफ्तारी करते हो आप किस मदरसे में पढ़े आप ये बताइए, आपके बच्चे किस मदरसे में पढ़ रहे हैं बताइए। देख लीजिए ऐसे लोग होते हैं जो सच्चाई को कबूल नहीं करते हैं। पूरी हमारी चर्चा कहते हुए शर्मा रही है आपको, चर्चा कहते हुए शर्मा रही है। प्रधानमंत्री उनके साथ बैठते हैं, उसके लिए अदालत है, और आप एक आतंकवादी की तारीफ कर रहे हैं, शर्म करिए, और हमारे मदरसों पर इल्जाम लगाते हैं या नहीं है। झूठ बोलना छोड़ दीजिए अमित पुरी जी, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, शर्म करिए, शर्म करिए, आतंकवादियों का साथ देना बंद करिए, आतंकवादियों का साथ देना बंद करिए। और हाफिज सईद से क्या समझौता किया था आप लोगों ने, वो भी सामने रखिए। दुनिया के पटल पर ना सही लेकिन हिंदुस्तान के पटल पर रखिए कि आप लोगों ने क्या समझौता हाफिज सईद से किया था। मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा, अपने शांति दूत को भेजकर। जी अमित पुरी जी के पास चलते हैं। अमित पुरी जी ये बताइए, जिस तरह की अब चर्चा हो रही है, हम लोग चर्चा मदरसों पे कर रहे हैं, मदरसों के बच्चों पर कर रहे हैं, लेकिन जो बहस है वो कहीं और चली जाती है। चर्चा ये करने ही नहीं दे रहे हैं, हम मदरसे की बात डिबेट पर चली जाती है। हमारी बात, हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है अमित पुरी जी की समाजवादी पार्टी को क्या प्रॉब्लम है, और आपकी जो सर्वे की जो कोशिश है उस पर बार बार विपक्ष जो है वो सवाल क्यों उठा रहा है? मैं एक एक करके सारे मसाइल पे आता हूँ। जी कभी बचपने में सुना था, यह तेरा दीवानापन है या तेरी नज़रों का कसूर, मुझे नहीं मालूम। बात अमरनाथ मिश्रा से हो रही थी, उन्हें अमित भी याद आ रहे थे, भ्रमित तो, अब मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, सामान्य तौर पे मैं व्यक्तिगत टिप्पणियाँ नहीं करता, लेकिन ज़ेर बहस आज ये मसला जब चला तो श्री अखिलेश यादव जी की जो बाइट आई उसके बाद चला, तो मैं मजबूर हो गया कुछ कहने के लिए। और कहा गया कि लखनऊ से मेरी वाबस्तगी है,
तो खाली मौलानाओं के बारे में नहीं है, और भी वाबस्तगी है। जो आदमी खुद सैनिक स्कूल के अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ा हो, ऑस्ट्रेलिया जाके इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर पढ़ा हो विदेश में, जिसके बच्चे खुद लॉरेटो कॉन्वेंट और लामार्टिनियर में पढ़ते हों, और जो हज़रत वकालत कर रहे थे वो हज़रत खुद शेरवुड नैनीताल की पढ़ाई की करके आए हुए, ये मेरी वाबस्तगी है शहर से, इसलिए हुजूर बड़े आदब और शाइस्तगी के साथ कह रहा हूँ। आपको मौलाना महमूद मदनी में दलाल नज़र आया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, केवल एक बात कहता हूँ, हम उस सियासी जमात के मानने वाले हैं जिसको इस देश के हर 135 करोड़ में भारत माता का लाल नज़र आता है। बाकी तफरके की राजनीति करने वाले, तसूबियत की राजनीति करने वालों को किस में कौन दलाल नज़र आता है भारत माँ के लाल में, वो जाने, उनकी सियासत जाने। जिस साध्वी प्रज्ञा के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, बस एक लाइन की राजनीतिक टिप्पणी करके मुद्दे पे आता हूँ। साध्वी प्रज्ञा में क्या देश की बोलने, अब शांति से सुनिएगा, सुना है साध्वी प्रज्ञा के बारे में हो, कर्नल पुरोहित के बारे में हो, प्लीज डोंट रन ओवर। अमित पुरी जी पहली बार बोल रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा हो, कर्नल पुरोहित हो, इनके बारे में न्यायालय, बीच में यही तो बोल रहे हैं, इनका न्याय मैं नहीं बोल रहा था, अरे भाई आपको यही तो कह रहा हूं, मैं तो एक मिनट नहीं बोल रहा, अमरनाथ मिश्रा जी बोल रहे थे, अमित पुरी नहीं बोल रहे थे, बहस रहने दीजिए, मजाक ना बनाइए, भ्रमित हैं आप, मैं बोला भी नहीं। अच्छा आज मेरे पास टीवी नहीं है ना सामने, हाँ हाँ ठीक है, सॉरी चाचा। अरे हम तो उनमें से है जिसके पास ना टीवी है ना बीवी है, तब भी दिशा भ्रमित नहीं होते। अच्छा अब आइए मैं गंभीर धरातल पे आता हूँ। साध्वी प्रज्ञा के बारे में हो चाहे कर्नल पुरोहित के बारे में हो, देश के न्यायालय ने फैसला दिया। लेकिन हुजूर जरा आपको एक रोशनी दिखा दूं, श्री अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री होने के पहले हफ्ते के अंदर बारामंकी के बम कांड के आतंकवादी आरोपियों को छोड़ने का फैसला लिया तो न्यायालय ने कहा कि ताम्रपत्र भी दे देते इनको, भारत रत्न भी दे देते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आईन की रोशनी में बता रहा हूँ कि इंसाफ की अदालतों ने क्या फैसले किए। अब आइए जेर बहस जो मुद्दा है उसके ऊपर आता, जहां तक अफगान तो बताइए, चलिए मैं बता चुका, न्यायालय का फैसला आ चुका, न्यायालय का फैसला आ चुका, और नहीं तो अभी तैयार हूं न्यायालय का वो फैसला दिखाइए जिसमें साध्वी प्रज्ञा को कन्विक्टेड किया गया हो, चैलेंज यू कन्विक्ट किया गया हो, दोषी आरोपित किया गया हो, अभी बताइए, पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन के लिए गाल मत बजाया कीजिए, क्या बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन नहीं हुई है, गाल मत बजाइए, मुंबई में एक जिम्मेदार चैनल की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था, जिम्मेदार साध्वी प्रज्ञा की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, वैसा ही साध्वी प्रज्ञा की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, न्यायालय का फैसला कोर्ट जैसे याकूब मैंने की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था, तो भाई अभी उसको बाइसत भरी नहीं किया गया है, नहीं है पे भी कोई भी नहीं मिला, अखलो शूर को दिया सर वाले, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, सिर्फ बेल मिली है उनको, बड़ी शाइस्तगी से कह रहा हूं, अखलो शूर का इस्तेमाल करो, कैंसर का बहाना लगा ला रही थी, अखलो शूर आपको नाजल किया है, उस अखलो शूर का इस्तेमाल कीजिए जी, मदरसों में बात करते हैं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं जी। अवकाफ का मामला जो था वो दो तरह के अवकाफ है, और वो फलाही काम के लिए यानी चैरिटेबल चीज़ों के लिए किए जाते हैं, एक अल्लाह के नाम पे जो अवकाफ किया जाता है, वक्फ किया जाता है, जिसे अल खैर कहते हैं, अल खैर, और दूसरा जो औलाद के नाम पे अल औलाद वाला वक्फ किया जाता है। इस सरकार की नज़र में हम चाहते हैं कि जिस चैरिटी के पर्पस से अक्लियत के लोगों के लिए ये वक्फ का काम किया गया है, वक्फ एक्ट अलग से चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में, वो एक अलग इशू है, सुप्रीम कोर्ट उस पर जाएगी, मैं उस रेमिफिकेशंस पे नहीं जा रहा, लेकिन सर्वे करने से क्या परेशानी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो कहते थे देश की संपदाओं पे पहला हक अकलियतों का है, उन्होंने अपनी बाइट में अपने साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर दिल्ली के अंदर बाकायदा कहा इतनी आमदनी होनी चाहिए, और इतनी आमदनी का मैग्नीट्यूड है, मैं फिगर भी कोट कर दूंगा, और इतना अंतर था 1000 गुने से ज्यादा, ये वो मैं नहीं कह रहा, जो देश की संपदाओं पे पहला हक अकलियत का मानते थे उन्होंने भी कहा कि अवकाफ की प्रॉपर्टी से रिटर्न नहीं आ रहे, कब्जे हो रहे। अगर ये अवकाफ जिस फलाही काम के लिए बनाए गए हैं, देश मुसलमानों के बीच में पसमंदा समाज बड़ा तबका है जिसके बच्चे इसमें पढ़ते, अगर उनके लिए अच्छे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बने,
जो कब्जे में चली गई ज़मीनें हैं, अगर उनसे मेडिकल कॉलेजेस बने, इंस्टीट्यूशंस खड़े हों, तालीमी इदारे खड़े हों, तो क्या आपत्ति हो सकती है? या इस देश में केवल जौहर यूनिवर्सिटी का जौहर ही देखने के लिए समाजवादी पार्टी साथ खड़ी है? अकलियत के पसमंदा समाज के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी दीनी तालीम के लिए, और हम किसी को दीनी तालीम से नहीं रोक रहे। दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी अगर आए तो ऊपर वाले ने कहा है पैदा करके भेजा है, अक्लो शऊर का इस्तेमाल कीजिए, और अक्लो शऊर का इस्तेमाल करना यानी दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम के लिए भी ऊपर वाले ने ये फरमाया है। जी बिल्कुल मेरे साथ एक मिनट मैं कह रहा हूँ मदरसों के बारे में भी यार। अच्छा, मदरसों का दर्द किसको? न 3 में न 13 में मृदंग बजा रहे हैं, डेरा में खुद पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया में, शेरवुड में, और मदरसों पे चर्चा करेंगे। जो देवबंद के लोग हैं, जो आलमीन हैं, फाजिल हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं, उनको कोई आपत्ति नहीं कि मदरसे के बारे में जांच पड़ताल हो रही है, वो अनदानी सूची में लाए जाएं, उनके टीचरों के बकायदा तबादले प्रॉपर तरीके से हों, वो ग्रांटी नेट के ऊपर आएं, जो सरकार एनसीईआरटी का सिलेबस उनके अंदर लागू हो, इसके ऊपर उनको आपत्ति नहीं है। आपत्ति किसको है भाई? जो सियासतदान लोग हैं। अरे हर चीज़ में सियासत डालेंगे हुजूर? अरे खुदा के लिए, भगवान के लिए, जिसको मानते हो उसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कम से कम जो पढ़ाई लिखाई का मसला है, जो तालीम का मसला है, उन तालीमी इदारों को सियासत के बाहर कर दीजिए। जो आलमीन है वो खुद जानते हैं और वो कह रहे हैं, हर जगह से ये आवाज़ आ रही है कि हाँ हमें सरकार के इस कदम से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जिसकी खेती करते थे, जब वो खेत ही चले गए तो कल तक तो वो खेत थे, आज दलाल हो गए। कल तक अरशद मदनी और महमूद मदनी साहब में खुदाई फरिश्ते दिखते थे, बात आसमानी दिखती थी, आज नाफरमानी दिखती है। अरे जिल्ले इलाही, सियासत खूब कीजिए, लेकिन कम से कम खुदा के किसी बंदे को दलाल कहने का हको हकूक सियासत में आने के बाद किसी को नहीं दिया गया है, कम से कम इससे तौबा कर लीजिए। नहीं नहीं, वो खुदा के बंदे नहीं है वो। अच्छा, तो किसके बंदे नहीं है? किसके बंदे? वो दो लोग, आप सरवरे कायनात, आप सरवरे कायनात पे सवाल खड़े कर रहे हैं। वो खुदा के बंदे नहीं है? वो सरवरे कायनात पे सवाल खड़ा कर रहे हो? ये धरती, ये आसमान, ये नदी और पहाड़ आप ही कहते हो कलमा पढ़ के कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। कम से कम कलमा पढ़े हो दीनी? वो इबलीस के बंदे हैं। क्या बात है, इबलीस के बंदे हैं। देखा, तसूबियत आ गई, इबलीस के बंदे। एक जरा सी खरोज की थी, इबलीस के बंदे हैं, भड़काते हैं। अब समाजवादी पार्टी का सियासी एजेंडा नहीं रह गया, उसका एजेंडा इबलीस के बंदे हैं, तसूबियत हो गया। ध्यान रखिएगा, इंडिया न्यूज के लोगों देखो, क्यों तकलीफ हो रही है? आपके साथी है क्या? सियासत छोड़ के तसूबियत के दरवाजे पे खड़ी है। सारे पर्दे उतर गए, सारी कैमोफ्लाजिंग उतर गई। मियां करे फजीहत, दीगर दे नसीहत, खुद ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे। खुद ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे, खुद ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे, और देश के बच्चों को मदरसों के मॉडर्नाइजेशन से रोकेंगे। वाह, क्या सियासत है तेरी, क्या सियासत है तेरी? या खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि मुझे अपने सिवा दूसरा कोई दिखाई न दे, या खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे। अल्लाह खैर करे, ऐसी खुदाई खुद शेरवुड में, खुद शेरवुड में, और पसमंदा का बच्चा मदरसों के अंदर काटपट्टी में बैठे, उसको कंप्यूटर सीखने का अधिकार नहीं है? अरे देश के पसमंदा समाज के मुसलमानों के खिलाफ क्यों? जरा बताओ, देश जानना चाहता है समाजवादी पार्टी पसमंदा मुसलमानों के हक हकूक के खिलाफ क्यों है? क्यों अकलियत की बर्बादी के लिए नहीं खड़ी है? कल तक सच्चर कमीशन लागू करने की मांग की, उसमें मुसलमानों की दीनी तालीम, उनकी तालीम, उनकी तरक्की की बात थी, मॉडर्नाइजेशन की बात थी कि नहीं थी? सच्चर कमेटी जिसके लिए गाल बजाते थे, आज सच्चर कमेटी के एक हिस्से को लागू कर रहे हैं। चलिए चलिए, अमितपुरी जी, अमितपुरी जी, लारी साहब, मतीन, मतीन साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मतीन साहब आपका स्वागत है, आप थोड़ा सा देर से जुड़े जी। मतीन साहब ये बताइए कि आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बोला कि वो सर्वे के खिलाफ हैं, उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया, उधर ओवैसी भी बोलते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि सर्वे से
प्रॉब्लम क्या है, और अब आपको लगता है कि सर्वे में बच्चों का जो हक और हुकूक है वो उतना ध्यान नहीं रखा जाएगा, इसमें सियासत हावी हो जाएगी? देखिए श्रेय जी, असल में बात यह है कि इंडिया में आप देखिए कि 1925 से 1947 तक के जो आरएसएस की एक लॉबी थी, इस लॉबी ने बताइए कौन से कारनामे किए हैं, जो जब पूरा भारत अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा था तो ये माफ़ीनामे दे रहे थे। और अभी इधर आप देखें कि 10-12 सालों में जिस अंदाज में इंडिया में आरएसएस के जो टारगेट के लिए जो प्राइम टारगेट हैं वो मुसलमान हैं। बेसिक सर्वे और मदरसे का सर्वे हो या कहीं का सर्वे हो, ये सेकेंडरी चीज़ है, बेसिक है अब हलाल, अब मुसलमान हलाल खाए तब तकलीफ, हिजाब इस्तेमाल करे तो तकलीफ, मस्जिद है तो तकलीफ, लाउड स्पीकर के नाम पर, अजान के नाम पर, मदरसे के नाम पर, किस चीज़ में आप देखें कि जहाँ जहाँ जो चीज़ आ रही है, सिर्फ टारगेट क्या है, बेसिक टारगेट मुसलमान, ये क्या आइडियोलॉजी, ये मुल्क ऐसा मुल्क है, तो तकलीफ। इस मुल्क की ये खूबसूरती है, इस मुल्क की ये खूबसूरती है कि यहाँ गंगा है, यहाँ यमुना है, यहाँ सरस्वती निकलती है। पूरे दुनिया के अंदर बता दीजिए कोई इस तरह का कोई मामला रहा हो क्या? यहाँ पर जिस अंदाज में जब मुल्क जब ब्रिटिश से लड़ रहा था तो ये कहाँ पर थे ये लोग? आज ये हमारे बताएंगे कि ये इंडिया की आइडियोलॉजी है, भारत की ये आइडियोलॉजी है? गांधी के देश में इस तरह से जो है नफरत के बीज बोएंगे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए जो है टारगेट करेंगे? आप बताइए कि ये जो जवाहर भवन है कहाँ पर है? ये इंदिरा भवन है किसकी ज़मीन है? ये विकास द्वीप है, आप लखनऊ के हैं अमित पुरी जी, बड़ा अच्छा प्रवचन दे रहे थे, मैं तो अगर सामने होता तो मैं आपको चूम लेता, बहुत जबरदस्त ज्ञान रखते हैं आप, वो ज्ञान के बारे में भी बता दीजिए। अभी बताते हैं, सब बताते हैं, अभी सब बताएंगे। राजभवन किसकी प्रॉपर्टी है? आपकी तकरीर पूरी हो जाए फिर सब बताते हैं आपको, आप जरा तकरीर पुरसुकून माहौल में कर ले, बात सुन लीजिए मेरी। भाई आप ये बता दीजिए ये मदरसे का सर्वे किस बात को लेकर के हो रहा है? तो तकरीर जो मदरसे आपका जो तकरीर कौन सी भाई, गैरत भी बात है, मदरसे गए होंगे आप, मदरसे गए होंगे, बोलने दीजिए नहीं। अमित पुरी जी, अमित पुरी जी, लारी साहब, अमित पुरी जी, अमित पुरी जी, लारी साहब, अमित पुरी जी जी, उनकी बात पूरी करने दीजिए, मदीन मदीन साहब को बोलने दीजिए, मदीन साहब मुकम्मल हो जाने दीजिए, अमरनाथ जी, मदीन साहब को पहले बोलने दीजिए, मदीन साहब अभी हम जवाहर भवन देखिए, अभी मैं नहीं 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 देखिए, अभी जवाहर भवन इंदिरा भवन की बात नहीं कर रहा हूँ, अमरनाथ जी, अमित पुरी जी, लारी साहब, अभी मदीन साहब को भी बात सुनिए दीजिए जी, मदीन जी जरा बात सुन लीजिए जी, हाँ सुन रहे हैं, अरे सब लोग बोल लीजिएगा, मैं खामोश बैठा रहूंगा, नहीं आप बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मदरसों का सर्वे क्या है, मदरसे का जो सर्वे है ये किस बात को टारगेट कर रहा है? भाई मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं साहब मदरसा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, जो भारत सरकार की योजना है मदरसा मॉडर्नाइजेशन की, 8 सालों से बताइए क्या मदरसा मॉडर्नाइजेशन के जो टीचर्स हैं क्या उन्होंने तनख्वाहें दी हैं? जो 16,000 से ज़्यादा जो मदरसे बाकायदा जांच पड़ताल सब कुछ हो चुका है, क्या वहाँ पर इन्होंने पानी पीने के लिए एक टोटी लगवाई है? क्या वहाँ पर सफाई सुथराई की बात करने वाले लोग, बड़ा जबरदस्त प्रवचन देने वाले लोग, बताएं कितने टॉयलेट बनाए हैं, क्या कितने पंखे लगवाए हैं, कितनी लाइट लगवाई है, कितनी बिल्डिंगें बनाई है, क्या ग्रांट दी है? और ऊपर से ये योगी सरकार ये आकर के कहती है कि ग्रांट नहीं देंगे, लेकिन मदीन साहब, लेकिन मदनी जी तो मदीन साहब लेकिन मदनी जी तो कह रहे हैं कि मदनी साहब कह रहे हैं कि सर्वे में कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे होना चाहिए। भाई उनके मदरसे का सर्वे करा लीजिए, कौम का क्यों करा रहे? वो तो बहुत कसीदे भी कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, मैं क्या करूं, सर्टिफिकेट कहां से लेकर के आऊं? मेरे पास तो कोई फैक्ट्री है नहीं कि मैं सर्टिफिकेट बना लूं। बेसिक बात जो है वो ये है कि देखिए ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, चाचा ये बेसिकली जो देखिए गांव गिराव कस्बात की जो बात आई है 1989 में जो एक्ट है जो यूजुअली जो हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही थी जमीनें,
जो कब्रिस्तान के लिए जो ज़मीनें इस्तेमाल हो रही थी वो इस्तेमाल में गवर्नमेंट ने जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर किया था उसमें क्या था, वो ऑलरेडी है भाई, वो कहीं खसरा खतौनी में क्या सब कुछ सही हो जाता है? मेरा घर किसी के नाम, किसी घर किसी के नाम होता है? उमूमन ये होता है भाई, जो रूटीनली जो कब्रें बनी हुई हैं वो कब्रिस्तान मान करके उसको कब्रिस्तान मान लिया जाए भाई। जो तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मैं बता रहा हूँ लखनऊ के जो मेन प्रोमिनेंट है भाई, जवाहर भवन, इंदिरा भवन, विकास दीप, तमाम कब्रिस्तान है, तो ये सब क्या होगा जी? उनके लिए तो जांच कर रही है। अब सरकार ने कहा कि हम जांच करेंगे, उसका भी सर्वे करेंगे, लेकिन आज हम इंदिरा भवन, मदरसे, मदरसे के सर्वे की बात कर रहे हैं। मैं तो मदरसों के सर्वे की बात कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि अब धीरे धीरे, मदीन साहब मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे अब सियासत जो है उस पर हावी होती दिख रही है। सरकार अपना पक्ष रख रही है, विपक्षी पार्टी अपना रख रहे हैं, ओबीसी कहते हैं सर्वे खराब, मिनी एनआरसी है, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं हमें, सियासी पार्टी नहीं है क्या ये? सर्वे कबूल नहीं है? नहीं, समाजवादी पार्टी ने अगर ये कह दिया तो कौन सा अजाब जान कर दिया? क्या भाजपा ने जो रूल किया, जो वो 1989 के जो एक्ट को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है क्या? वो क्या वो मजहबी जमात है या मठ वाली जमात है? वो भी तो पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी तो पॉलिटिकल, उनके सारे इश्यूज हैं, तो पॉलिटिकल का जवाब तो पॉलिटिकली दिया जाएगा ना, नॉन पॉलिटिकल कैसे कौन दे देगा जी? भाई हम करें तो ठीक है, आप करें तो बेकार है, ये कौन सी बात है? हाजी साहब ये बताइए, हाजी हसन अहमद साहब ये बताइए कि जिस तरह से भी चर्चा हुई और बात हम बार बार बच्चों की करते हैं, मीठा बोला जाता है जी, पहले मैं सवाल कर लूं फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं हाजी हसन साहब कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जितनी भी चर्चा हुई हम लोग बार बार बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों से जो बहस है वो चली जाती है सियासत की तरफ, हिंदू मुसलमान की तरफ। तो इस हिंदू मुसलमान की बहस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको है? देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही एक अजीब सान्या है कि बात होती है मदरसे पे और चली जाती है कहीं से कहीं। कोई पहली चीज़ तो ये कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे वो इनके निजी शब्द थे या इनकी पार्टी की लाइन यही है? पार्टी द्वारा इनसे कहा गया है कि इनसे इनके लिए यही शब्द इस्तेमाल करने हैं? तो पहले ये वाजे कर दें, क्योंकि ये इस तरह की बहस में अगर इस तरह से ये मेयार रह जाएगा डिबेट का, तो मैं तो समझता हूँ कि माजरत होनी चाहिए कि अब इस तरह की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी धर्मगुरु, किसी भी संस्थापक, भाई ठीक है मेरी आइडियोलॉजी नहीं है उनकी, वो तो आप छोड़ के चले जाइए डिबेट, आपको अच्छा नहीं लगा है तो भाई ये समाजवादी पार्टी की आप लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, ये समाजवादी पार्टी की गाइडलाइन है ना, समाजवादी पार्टी का ये मौकफ है। अरे आपका चैनल है, आप कैसे कैसे आप डिबेट छोड़ के चले जाइए? अरे आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि डिबेट छोड़ के चले जाइए? आपका चैनल है कि आप एंकर हैं? अरे हाजी साहब जवाब दे रहे हैं, हाजी साहब जवाब दे रहे हैं जी। ये बताइए ये आपकी पार्टी का मौका है या आपकी निजी है? तो मेरी बात पे आपत्ति है, मैं नहीं करता डिबेट, कह के चले जाइए। नहीं नहीं आपकी बात में नहीं, आप समाजवादी, आप समाजवादी पार्टी के भी आप बैठे हैं, यानी समाजवादी पार्टी के भी आप बैठे हैं। एक मिनट जरा भाई, आप सुनिए, माफी था हाजी साहब, एक मिनट, अमित जी के बोल रहे हैं, आप पूछ रहे थे कि इनकी पार्टी का एजेंडा क्या है, जरा सुन लीजिए। And you should move out from here. कल आजम साहब के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने नियम 56 की नोटिस दी और जब स्पीकर ने चार बार कहा कि आजम साहब के मुद्दे पे बोलिए तो पूरी समाजवादी पार्टी भाग खड़ी हुई। वो तो जब दूरदर्शन ने वो बाइट दिखा दी कि अकलियत के नाम पर और आजम के नाम पर दोनों के ये झूठ बोलते हैं, तब मियां अखिलेश यादव को आज सूझी कि नियम 56 के ऊपर खड़े होके बोल दे। तो इनकी पार्टी का एजेंडा क्या है वो आप अच्छी तरह समझो भाई, ये भागने वाले लोग हैं, ये भागने वाले लोग हैं। किसी पार्टी कांग्रेस ये है मसला, ये भगौड़ी पार्टी बैठ कर दर्शन करता है भारत का, कल आजम के नाम भागवाई करते हैं आप लोग, बुलबुल पे बैठ के, बुलबुल पे बैठ के स्पीकर कहते रहे जेल बात करने हो, छोटी सी कोठरी में ममता प्रसाद की खिड़की से निकल जाते हैं बुलबुल के सहारे, अखिलेश भी बैठे थे और बुलबुल पे बैठ के पूरी पार्टी के जिम्मेदार लोग माफी मांगते हैं आप लोग, और आजम साहब के नाम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग सच बोलते हैं। जब छींचा लेकर हो गई मीडिया में
तब आज कभी कमी नहीं होगी बात करने की। छीछा लेतर हो गई थी बात में, मैं सच बात में छीछा लेतर हो गई। जो कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, सच बोलता हूँ। तो कल भाग खड़े हुए थे वही भगोड़ी संस्कृति आप बता रहे हैं कि यहाँ से डिबेट से भाग जाइए। ये आदत है समाजवादी पार्टी की, भाग रहे आप। ये आदत है समाजवादी पार्टी की भागने की। बीच में कूद पड़े ये वो भागने वाले लोग हैं, बीच में कूद पड़े भागने वाले लोग हैं। बैठने बैठे बिल्कुल अमित पुरी जी, अमित पुरी जी हाजी साहब जवाब दे रहे हैं। पदार्पण हुआ था उनका भी। अव्वल तो यहाँ से कोई डिबेट छोड़ के नहीं जाएगा। डिबेट छोड़ के क्यों जाएगा? सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है, सब अपनी तरह से बात रखेंगे। और किसी को ये कहने का भी हक नहीं है कि आप डिबेट छोड़ के चले जाइए। नहीं मेरी बात का विरोध करना और समाजवादी पार्टी के बुलावे पे हो गया हूँ, विरोध हो गया। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठा हूँ कि आप कहे कि आप चले जाइए। आप किस हक से, किस हक से आप शान में गुस्ताखी की हो तो ये मुझे कहे कि मैंने इनकी शान में गुस्ताखी की है। नहीं आप तमाम मुसलमानों की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। आप मुसलमानों की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ये किसने आपको राइट दिया कि समाजवादी पार्टी ने दिया? यही मैं जानना चाहता हूँ। कौन मुसलमान? यही पूछ रहा हूँ। अरे वो मुसलमान कायात लोग मुसलमान इबलीस की शान में क्यों गुस्ताखी कर रहे हैं? इबलीस को मुसलमान कहेंगे? हर सत्ता के दरवाजे को चाटने वाले को आप मुसलमान कहेंगे? आपका निजी मौकिफ है ये समाजवादी पार्टी का, यही जानना चाहता हूं मैं। वेरी गुड भाई, तो फिर मैं समझ गया आपका आपका ये समाजवादी पार्टी से अहले बैत कर ले वो मुसलमान और बाकी गैर मुसलमान, ये कौन सी डेफिनेशन है मुसलमान के बारे में? आपका किरदार क्या है? कौन सी डेफिनेशन है मुसलमान के बारे में? आपसे अहले बैत करेंगे आपका किरदार समझ गया तो मुसलमान कहलाएंगे, और आपसे अहले बैत नहीं करेंगे। अरे भाई तो आप मुसलमान नहीं कहलाएंगे का स्वागत करते हैं। आपसे अहले बैत करें करके जो आपसे अहले बैत करें विक्रमादित्य मार्ग जाकर के अहले बैत करें तो हम मुसलमान की बेइज्जती। और अगर हम विक्रमादित्य मार्ग नहीं जाते आप लोग तो मौलाना मदनी का स्वागत करते हैं, मिठाई बांटते हैं, सजा याफ्ताओं को बांटते हैं। अरे सजा याफ्ताओं का किसी के इज्जत बेइज्जती की बात करेंगे? इज्जत लूटने वाले आप लोग जी बिल्कुल, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ। देखिए आपसे होता है ये समझ नहीं आता क्या मामला है? राम रहीम तो आप चाहते थे वो तो बाबा दाढ़ी वाला तो वो आप वो सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन मुसलमान है कौन लारी साहब अमित पुरी जी समाजवादी पार्टी आने देखिए वो भी अमित पुरी जी वो तो अमित पुरी जी लारी साहब देखिए हम लोग एक बहुत संजीदा मुद्दे पे बहस कर रहे हैं। मेरे इस मुद्दे को उठाने का जो एक नजरिया था वो यही था कि असल में जिस पसमांदा समाज की भी बात हो रही थी 40 के करीब जातियां हैं जहां तक कि मेरी जानकारी है, उनके बच्चों को किस तरह की तालीम हासिल हो रही है और उनको किस तरह की तालीम हासिल होनी चाहिए। और ये एक संजीदा बहस है, इसमें कोई बहस किसी पे आरोप प्रत्यारोप किसी के खिलाफ कोई शब्द बोलना, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। और बच्चे सिर्फ एक घर के बच्चे नहीं होते, वो पूरी कौम का पूरे देश का मुस्तकबिल तय करते हैं। और उनके मुस्तकबिल में अगर कोई इजाफा होने की सूरत नज़र आती है और हम उस पर बहस करते हैं तो वो बहस कतई डिरेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। अगर हम लोग वाजिब बात करें सही बात करें तो समझ में आएगा कि हाँ हमने इस डिबेट के ज़रिए एक सूरत निकालने की कोशिश की। हो सकता है कि सवाल उठते हों और जो सरकार की मंशा है उस पर सवाल उठते हों, हर एक को हक है अपनी अपनी बात करने का। लेकिन मेरा कहना यही है कि हम लोग को अपनी तो बात पे रहना चाहिए। हम लोग कभी साध्वी प्रज्ञा पर चले जा रहे हैं, कभी वक्फ पर चले जा रहे हैं, या फिर कभी आपस के इंडिविजुअल आमना सामना करके अटैक हो रहे हैं, तो उससे नुकसान बच्चों का हो रहा है। और ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये वो देखती है कि कौन किस तरह से अपनी बात को रख रहा है। मेरा सवाल मतीन खान साहब से है। मतीन साहब, ओवैसी विरोध कर रहे हैं, मैं फिर से दोहराऊंगा और इधर उधर ना जाएं हम, जवाहर भवन इंदिरा भवन पे ना जाएं, हम एक ही बात करेंगे कि ओवैसी विरोध कर रहे हैं, अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं। मदनी साहब कहते हैं कि ये सर्वे ठीक है। मदनी साहब एक स्कॉलर हैं, आपके अपने जज्बात हो सकते हैं। जी जी मैं आपके अपने जज्बात हो सकते हैं, तो एक एक तबका भी एक तबका उनके साथ भी तो है, वो भी तो ये कह रहा है कि भाई ये जो सर्वे है ये ठीक है। तो आपकी आपको सर्वे की मंशा में क्या खोट नजर आती है? मैं कहता हूँ ये मुसलमान हलाल खाए तो लोगों को तकलीफ हो रही है, और एक सिर्फ एक आइडियोलॉजी आरएसएस की आइडियोलॉजी के लोगों को हो रही है,
पूरे भारत के तमाम हमारे बरादरान वतन को नहीं हो रही। मदनी साहब ने कब से आरएसएस ज्वाइन कर ली? इससे लोगों को तकलीफ। देवबंद वालों ने कब से आरएसएस ज्वाइन कर ली? नदवा वालों ने कब से आरएसएस ज्वाइन कर ली? मदरसे से, मदरसे के सर्वे पर न नदवा का एतराज है, न देवबंद का एतराज है, न मदनी का एतराज है। ये कब से आरएसएस के कारकुन हो गए, जरा हमको बता दीजिए। रोशनी डालिए, आप ही जवाब देंगे। अमितपुरी जी, सवाल का जवाब आप पुराने लखनऊ के हैं, आप बेहतरीन उर्दू जानते हैं। अमितपुरी जी बोले की बात भी तो समझ लीजिए हजरत। अमितपुरी जी बात सुन लीजिए, बेसिक बात देखिए। अभी श्रेय जी ने जो सवाल किया उसका जवाब मैं दो सेकंड में दे दूंगा। देखिए आप देखिए कि मौलाना महमूद मदनी साहब नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, वो एक जमात से और जमीयतुल उलमा से उनका ताल्लुक़ है। और आप ये देखें कि अखिलेश यादव हों, असदुद्दीन ओवैसी, दिस इज़ द पॉलिटिकल लोग। पॉलिटिकल लोगों ने जो सवाल किया है पॉलिटिकल लोग ही जवाब देंगे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वही उसको रिप्लाई देंगी, उसी का ही वो जवाब होता है। आप बात समझ लीजिए, बेसिक ये सर्वे और उसकी बात नहीं है। आप इधर देखिए कि इधर दो साल के अंदर क्या इश्यूज आ रहे हैं। जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी थोपने की कोशिश की जा रही है, मदरसे बंद करने की कोशिश की जा रही है। सर्वे के नाम पर जो प्रॉपर्टीज जो कब्रिस्तान और उसके नाम है वो प्रॉपर्टीज को हजम करने की बात हो रही है। ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है? ये मुसलमान बेचक एक नंबर का टारगेट इन्होंने मुसलमान को कर रखा है, दूसरे नंबर पे इन्होंने ईसाई को कर रखा है, तीसरे नंबर पे कम्युनिस्टों को कर रखा है, ईसाइयों सिखों को कर रखा है। ये बेसिकली ये डरा धमका करके इनको हैरेस करके ये अपनी आइडियोलॉजी को थोपना चाहते हैं। कभी जात के नाम अमरनाथ जी एक सवाल आपसे भी है, छोटा सा जवाब लूंगा। कि अभी चर्चा के दौरान एक बात सामने आई, उन्होंने कहा कि आप अपने स्कूलों का सर्वे कराइए, किसी नेता ने कहा कि गुरुकुल का सर्वे कराइए, सरस्वती शिशु मंदिर का सर्वे कराइए, हमारा सर्वे क्यों करा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि आपका सर्वे कराना जरूरी इसलिए है कि अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे मुलायम सिंह की सरकार रही हो, एक विशेष मजहब का वोट लेने के लिए हर प्रकार की स्वतंत्रता उनको प्रदान करी गई। अभी हमने आपको बताया हिंदू घर का बच्चा या कोई भी व्यक्ति मंदिर से निकलता है प्रसाद बांटता है, और मदरसे से निकले हुए बच्चे पथराव करते हैं कश्मीर से लेकर आसाम, हर जगह हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं। एक बात, दूसरी चीज़ ये है कि एक शेर से हम आपके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं कि एक दो जख्म नहीं, मदरसे से बच्चे ने एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है कि किधर से कहां से निकले। चलिए सीधे चलते हैं अभिषेक पांडे के पास। अभिषेक, आपने आज सुना होगा अखिलेश यादव का बयान जिस तरह से आया है। अभिषेक पांडे, आपने सुना होगा कि आज जिस तरह से आज अखिलेश यादव ने बोला कि वो सर्वे का विरोध करते हैं, इस पूरे स्टेटमेंट को आप पॉलिटिकली किस तरह से जज करते हैं? मदनी परिवार, देखिए समाजवादी पार्टी जिस खास कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करती है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व करती है, तो जाहिर तौर पर इस पूरे घटनाक्रम से चाहे वक्फ का सर्वे हो, चाहे वो मदरसों का सर्वे हो, सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा है, टारगेट ऑडियंस कौन है? मुस्लिम कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, और उनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं वो पार्टी जाहिर तौर पर उनको संरक्षण की बात कहेगी। और इसीलिए अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा, बिना लाग लपेट, बिना कोई चीज़ छुपाए कि मैं इसका विरोध करता हूँ। जबकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब जो एक्ट बना है, जो कानून बना है, जो रूल ऑफ लॉ है, हम उसके अंतर्गत चीज़ों को दुरुस्त करना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर राजनीतिक बात अलग है और बीजेपी की बात अलग है, और इसीलिए अखिलेश यादव को सामने आना पड़ा, क्योंकि विधानसभा के इस चुनाव में
उनको इस कम्युनिटी ने बहुत जबरदस्त अपना समर्थन दिया है, बहुत साथ दिया है, तो इसके खिलाफ वो कैसे बोल सकते हैं? जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मदीन खान साहब आपका शुक्रिया, अमित पुरी जी आपका शुक्रिया, हाजी साहब आपका शुक्रिया, लारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आपने इस बहस में सुना कि किस तरह से मदरसे के सर्वे के बाद सियासत तेज होने लगती है और किस तरह के बयान आने लगते हैं। लेकिन मैं इस बहस के बाद एक चीज़ मुझे मेरी सोच में आई कि हम लोग बात बच्चों की करते हैं, बात सियासत तक पहुंच जाती है, बात हम करते हैं बच्चों के पास कुरान भी हो और कंप्यूटर भी हो, बात सियासत तक पहुंच जाती है, बात हम करते हैं कि वो बड़े होके इंजीनियर और डॉक्टर भी बने, बात सियासत तक पहुंच जाती है। और अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, वो सिर्फ इस देश के बच्चे हैं, ये जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा उस दिन सियासत नहीं होगी, चाहे वो पक्ष के हों लोग, चाहे वो विपक्ष के हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस देश में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को वो तालीम मिल पा रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए, जिसका उनको हक है? और इस हक की लड़ाई में सिर्फ सियासी पार्टियों को नहीं, बल्कि उनके माता पिता, उनके आसपास के लोगों को भी सामने आना चाहिए और कहना चाहिए, अगर आपको कोई शक है तो उसको, उस पर सवाल उठाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ, इनकी जो मदरसों का जो सर्वे है उससे कुछ अपलिफ्टमेंट हो सकता है, तो उस पर भी आपको आगे आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।